एक घंटा हो गया हजे तक मेरा नंबर नहीं लग गया। शैंपू ला के और जड़िया मुछा ने कुंडिया हेलो गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो अज मैं जा रहा जी दाड़ी की सैटिंग कराउन। जो तुम मेरी देख रहे हो नॉर्मल है और दो घंटे तक यह दाड़ी की पूरी सैटिंग हो जानी है। और जिन्हें हजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल सबसक्राइब कर लो। वीडियो वधिया लगे तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो शेयर जरूर कर देना। सो हाँ जी दोस्तों मैं पहुंचा पिंड छीटा वाले जो कि नाभे तो 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पिंड की मंडी है जी। मंडी के बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नाल लगवा राइट हैंड इन्हों की शॉप है बंटी सैलून करके। और कई मैं कहते हैं कि तुम बिना कैंची लवाए तुम दाढ़ी कर्लिंग नहीं करवा सकते। सो मैं तुम्हें पूरी वीडियो दिखाऊंगा जी, जुड़े रहो वीडियो में। कली कली गल दसांगे कि दाढ़ी प्रॉपर फिक्स किदा होंदी है, ठीक है जी, वह भी बिना कैंची तो। ज़्यादातर भी इतने सरदार ही आते हैं। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो हाँ जी गुरु जी कितना टाइम हो गया तुम से कम करदे नूं? 12 साल अच्छा पहले थोड़ी छोटी दुकान होंगी ना उधर साइड से तो कितना टाइम हो गया दुकान करी नूं? अच्छा ठीक है। एक घंटा हो गया हजे तक मेरा नंबर नहीं लग गया, बारी नहीं पै रही। सोनी दोस्तों आ देखो सब तो पहला शैंपू नाल दाढ़ी नूं चंगी तरह वाश किया जाता है, ठीक है जी। चंगी तरह शैंपू कढ़ के क्योंकि मिट्टी घट्टा हुंदा लग्गिया हुंदा तेल वगैरह लग्गिया हुंदा ना तां करके तो चंगी तरह वाश किया जाता है। वाश करन दे बाद ये अपनी पूरी किट रेडी करते हैं, ग्लव्स वगैरह पा के फिर शुरू करते हैं। देखो जी अपनी दाढ़ी हुण चंगी तरह देख लो। आ लिक्विड यूज़ करते हैं वीर जी, ओरिजिनल लिक्विड है, ठीक है जी। सो तुसीं देख सकते हो थोड़े थोड़े वाल लैके पिन दे नाल रोल करते हैं। सो रोल करके सारी दाढ़ी नूं फिक्स कर देंगे ने। और मेरी दाढ़ी के अकॉर्डिंग 30 मिनट लगते हैं। जिसकी दाढ़ी ज़्यादा वड्डी है उन्होंने 40 मिनट भी लग जाते हैं, छोटी है ज़्यादा तो 20 मिनट में भी तैयार कर देंगे ने पूरी तरह। सो यह जो पिना ने जी इन्हों एक बार यूज़ करने तो बाद दूजी बार यूज़ नहीं किया जाता। एक बार यूज करो तो दूजी बार पूरी पिना वेस्ट हो जाए ने। जिदा देख लो थोड़े सामने ढेर लग्या पाया सारिया पिना का। सो हुण मुछां की तैयारी हो रही है जी। इधर मुछां दे लई मुल्तानी मिट्टी में लिक्विड घोल के तैयार किया जाता पेस्ट बना के इदा मुछां के उपर लगाई जाती है। सो जिन्हें मुछां बनवाणी ने बना लेंदे ने, जिन्हें मिट्टी लवानी है वह मिट्टी लवा लेंदे ने। सो अपने अपने तरीके ने, बिल्कुल छोटे वालों इदा धागे नाल भी सैट कर देंगे ने, मूँह च नहीं पैंदे फिर। सो गाइस इंटरमिशन हो गया हुण मेरी दाढ़ी बनी गई और हुण उन्होंने कहा कि पूरा 1 तो 1.5 घंटा इनू सुकन दो, उसके बाद फिर असी थोड़ी दाढ़ी धो के फ्रैश करके तेल लगा के पूरी कुंडियां मुछां खड़िया करके फिर सानू तोरांगे। सो मिलते हैं हुण 1.5 घंटे बाद। सो इधर अंकल जी बैठे ने जी अपनी दाढ़ी फिक्स करवा के दाढ़ी सुखा रहे ने, और इधर वीर जी बैठे ने अपने भी अपनी दाढ़ी नू हवा लवा रहे ने। लो जी अपना टाइम हो गया पूरा, हुण मेरी दाढ़ी खुलन लगी है। सो जिहड़े शुरू शुरू च करवाउण लगदे ने ना कर्लिंग उन्होंने थोड़ी बहुत पेन भी होएगी, तो 2-4 बार जो तो करवा लोगे फिर आदत बन जाती है उदा की, पता हों कि थोड़ी पेन होंगी है। सो ज़्यादा पेन भी नहीं होंगी, डरे होना। सो इदा ही हौली हौली करके सारे पिना बाहर कढ़िया जाता। सो सारे पिना कढ़न तो बाद एक बार दाढ़ी पानी नाल कल्ले पानी नाल वाश किया जाता, फिर दोबारा शैंपू नहीं लगता। सो वाश करन तो बाद चंगी तरह दाढ़ी तेल लगाया जाता। तेल लगाने तो बाद दाढ़ी कंघे नाल चंगी तरह वाहया जाता। सो इदा ही पूरी दाढ़ी थोड़ी खुल जाती है, इदा हो जाती है। उसके बाद फिर हाथों नाल चंगी तरह जिहो जी शेप बनानी है, गोल करनी है, तिखी करनी, जिदा भी करनी है उदा इदा दाढ़ी सैट की जाती है। तो उसके बाद फिर ड्रायर मार के पूरी चंगी तरह वधिया शेप दी जाती है। सो बाई जी ना गल करवाने तो आड़ी। और उस दिन कदों टाइमिंग की है दुकान की? सो जी अपनी दुकान है यदि क्लोज और ओपनिंग दस दो किन्ने बजे तक? सुबह 8:30 खोल लेने, सवेरे 8:30 ओपन होंदी है। अच्छा वो लिखा हुआ ठीक है, यानी कि 6 बजे तक दाढ़ी का कम फड़ देने हैं, जो 6 बजे तक आ गया चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे काम करते हैं। ठीक है। और
ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਰ? ਓਨਲੀ ਕੱਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੱਲੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 8:30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੰਟੀ ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ 99140 3614। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।